हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एजुकेटर। तो स्टूडेंट, आइए आज हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 के उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है आप लोगों के एनसीईआरटी में, 5 है, डॉक्टर मनोहर में 11 नंबर है। तो आप लोग अपने बुकों को देख लीजिएगा कौन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिंदु ए और बिंदु बी को, है ना, यानी बिंदु ए का -5 और बिंदु -4.5 को मिलाते हैं तो एक रेखाखंड बनता है। इस रेखाखंड को यक्ष अक्ष 2:1 में विभाजित करता है ना। इस रेखाखंड को ए बी को यक्ष अक्ष जो है, मान लेते हैं यक्ष अक्ष है और यह वाई अक्ष है, यक्ष अक्ष 2 भागों में विभाजित करता है। तो वही कह रहा है कि उसका अनुपात बताइए और उसका निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, है ना। क्या करना है, अनुपात बताना है और उसका अनुपात जो बांट रहा है एक्स पे उसका भी निर्देशांक बताना है ना। तो इस मान लेते हैं ये पॉइंट पी किसी एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, पॉइंट पी जो है एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, जो रेखाखंड ए बी को क्या कर रहा है, 2 भागों में 2 बराबर भागों में नहीं, 2 भागों में बांट रहा है। मान रहे हैं एक भाग क्या है M1 है, मान रहे हैं M1 है और एक भाग क्या है M2 है ना। अब ध्यान देना, आप बताओ पिछले एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आया था, यक्ष एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट माना रहता है कैसे पॉइंट को मानते हैं, बताओ जानसु, यस का मजीरो ना, मैक्सिमम लोगों को मालूम होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है अभी भी, है ना, तो वो पता कर लें, है ना। ठीक है बहनी, क्या होगा यक्ष का मा जीरो, क्या होगा यक्ष का मा जीरो। माना कि वो बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक कितना है यक्ष का मा जीरो, अगर वही वाई पे होता तो क्या होता, जीरो का वाई होता ना, वाई का मा जीरो, जीरो का मा वाई, है ना। तो अब देखो, अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सुधांशु बताएगा कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला सुने हो, विभाजन से सुने हो, हाँ तो थोड़ा अच्छे से याद कर लिया करो फार्मूला, बताओ चलो ए का कोऑर्डिनेट पर लिखता हूँ 1 -5 और बी का कोऑर्डिनेट कितना है, यही ना जी, हाँ। अब देखो यक्स इक्वल टू क्या होता है जी, यक्स M1 X2, चलो भाई तुम्हारे मान लेते हैं M1 X2 प्लस M2 X1 बटे, है ना, फिर Y बराबर क्या होता है M1 Y2 प्लस माइनस नहीं होता है जी। अच्छा चलो, अब तुम लोग को माइनस ही बता दे रहे हैं कब माइनस होता है। चलो अभी किसी स्टैंडर्ड लेवल का बुक लोगे तो वहां पे माइनस भी होता है, लेकिन उसमें एक शर्त होता है, ये जो पॉइंट होता है, जैसे मान लो क्या है पॉइंट, क्या है अंतर विभाजित करता है, क्या करता है, यह अंदर अंदर 2 भागों में बांट रहा है। जब यह बाह्य विभाजन करने लगेगा, बाहर से विभाजित करेगा, तब जाके वो जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस, ठीक है ना। ध्यान देना, कभी बता देंगे उसको भी, सिलेबस में नहीं इसलिए बताए हैं, ठीक है। जब बाह्य विभाजन करेगा तो क्या होगा, वो फार्मूला माइनस हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा, पी का कोऑर्डिनेट कितना है, यक्ष का मा जीरो है ना। तो हमें ये दिख रहा है अगर वाई का वैल्यू जीरो रख देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, M1 और M2 निकल जाएगा। जब M1 और M2 निकल जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ रखेंगे तो हमें एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो वाई का वैल्यू कितना है, जीरो है ना, है कि ना जीरो। अब M1 कितना है, M1 है, Y2 कितना है, M2 कितना है, 5, कौन 5 कह रहा है जी, M1 प्लस M2, इसको इधर भेज दें, जीरो हो जाएगा ना, हो जाएगा टाइप 5M1 माइनस 5M2 यानी 5M1 बराबर क्या हो गया, 5M2, सही ना, कोई दिक्कत किसी को, यानी M1 बराबर कितना हो गया M2। अगर अनुपात पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, M1 संबंधे M2 बराबर 1 संबंधे कौन दो कह रहा है जी, 1 संबंध 1 होगा ना जी। अब हमको क्या निकालना है, ये निकालना है ना, यक्ष निकालना पड़ेगा तभी निर्देशांक मिलेगा ना। तो यक्ष के स्थान पे क्या है, यक्ष के स्थान पे यक्ष ही है,
है ना, एम वन का स्थान पे यम, यम है ना, अच्छा यम वन रख दो। एक्स टू कितना है, माइनस चार है, और एम टू का स्थान पे क्या रख देंगे हम लोग, यम वन रख देंगे ना। अरे भाई यम वन बराबर एम टू हो गया है तो हम लोग लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। अब एक्स वन कितना है, वन, यम वन प्लस यम वन, कोई दिक्कत, एम वन बराबर एम टू है इसलिए जहां जहां एम टू वहां क्या कर दिया हम लोग यम वन रख दिया, ठीक है, किसी को दिक्कत। तो एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस फोर यम वन और प्लस यम वन अब बटे में टू एम वन होगा ना जी, कितना हो जाएगा जी, है ना, यम वन से हम लोग खत्म हो गया ना, ना? इसका मतलब यस का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, माइनस थ्री बाई टू हुआ ना, यानी हमें यक्स ही तो चाहिए, वाई तो अपने मन में जीरो है, दे देंगे बिंदु पी का निर्देशांक, बिंदु पी का निर्देशांक क्या, निर्देशांक कितना हो जाएगा, माइनस तीन बटे दो कामा जीरो, है ना, ये क्या हो गया, ऐसे बिंदु का निर्देशांक हुआ जो यक्ष अक्ष पे यानी यक्ष अक्ष पर स्थित है और इस रेखाखंड को दो भागों में बांट रहा है ना। किसी को कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इस क्वेश्चन को नोट करो और अपने डाउट को क्लियर